हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उर्वशी फूड्स। उर्वशी फूड्स को इतना सारा लव और सपोर्ट देने के लिए व्यूअर्स का दिल से बहुत सारा थैंक यू। आज की सीरीज़ का नाम है क्विक बाइट्स, और क्विक बाइट्स में आज हम बना रहे हैं पोटैटो वेजेस। चलिए बनाते हैं आलू वेजेस। बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, मैंने लिया है लंबा और गोल साइज़ का आलू। पहले सबसे पहले हम इसे पील कर लेंगे और इसी तरीके से सारे आलूओं को पील करके रख लेंगे। आलू हमारे छिलके तैयार हैं, चलिए इन्हें काट लेते हैं वेजेस में। ऐसे ही हम वेजेस में काट लेंगे और आलूओं को। पोटैटोज हमारे वेजेस में कट चुके हैं, अब हम इनको पानी में सोक कर देंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी लिया है, इसी में हमें इसे सोक करना है। आलू को उबालने के लिए हम एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे, और जब तक पानी में उबाल नहीं आ जाता तब तक इसमें हम आलू ऐड नहीं करेंगे। पानी में अच्छे से आ चुका है बॉईल, अब इसमें हम डालेंगे आलू। और अब इसमें हम आने देंगे एक अच्छा सा बॉईल, और इसमें आलू को हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक बॉईल करना है गर्म पानी में। साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 2-3 ड्रॉप तेल के। मैं पानी में डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तेल डालने से आलू उबलने के बाद आपस में एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। आलू में आ चुका है अच्छे से बॉईल, अब हम इस आलू को छलनी की हेल्प से निकाल लेंगे पानी से बाहर और गैस को कर देंगे बंद। चलिए तैयार कर लेते हैं पोटैटो वेजेस की ड्रेसिंग को। वेजेस में हम सबसे पहले डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कसूरी मेथी, बाइंडिंग के लिए 1 बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च। क्योंकि हमने आलूओं में उबलते समय ही डाल दिए था नमक को, इसलिए अभी मैरिनेशन में मैंने नमक को ऐड नहीं किया। अगर आप लोग ज़्यादा नमक खाते हैं तो इसमें आप नमक ऐड कर सकते हैं, या फिर काला नमक टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि हमारे हर एक आलू पे अच्छे से कोटिंग हो जाए मसाले की। आलू अच्छे से कोट हो चुके हैं, चलिए अब इसे कर लेते हैं डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, उसको उस लेवल तक रखना है कि आपके वेजेस इसमें अच्छे से डिप हो सके। अब हम वेट करेंगे तेल के अच्छे से गर्म हो जाने का। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके पोटैटो वेजेस और इनको डीप फ्राई कर लेंगे। आलू वेजेस हमने इसमें डाल दिए हैं तेल में, और ये अच्छे से अब जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हमें इसे फ्राई करना है। वेजेस हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे तेल में से। इसमें से एक्स्ट्रा
ऑयल बिल्कुल निकाल लेना है हमें, और सर्व करेंगे प्लेट में। तैयार है हमारी रेसिपी पोटैटो वेजेस। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बनाइएगा ज़रूर, खाइएगा ज़रूर। बाय, स्टे ट्यून्ड।